लोग वेलकम है एक नए लेक्चर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और आज के लेक्चर में लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि अगर एक से ज्यादा बैटरी, एक से ज्यादा रेसिस्टेंस अगर किसी सर्किट, सर्किट का मतलब कुछ वायर से कनेक्टेड लगातार लूप, क्योंकि लूप रहेगा, पाथ क्लोज रहेगा, तभी करंट पास करेगा। कुछ बैटरी, कुछ रेसिस्टेंस अगर लगातार किसी लूप में कनेक्टेड है, उस समय कितना करंट पास करेगा, वोल्टेज कितना होगा, उससे रिलेटेड हम लोग बात सीखें। याद कीजिए, कुछ तो ऑलरेडी ओम्स लॉ से सीखे थे कि जब तक लूप एक ही हो, उसके अंदर चाहे कितना भी बैटरी हो, चाहे कितना भी रेसिस्टेंस हो, अगर हमसे कोई करंट पूछे उस लूप में, जो कि वही एक छोटा सा एग्जांपल पहले ले रहे हैं, तो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला बात करेंगे। लूप में बहुत सारा बैटरी है, बहुत सारा रेसिस्टेंस है, लगातार एक लूप में कनेक्टेड है, पूछा जा रहा है करंट कितना होगा। पढ़े कि अगर लूप एक है, चाहे कितना भी बैटरी, कितना भी रेसिस्टेंस हो, करंट आप एक लाइन में रिलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ से करंट I बराबर V बाई R, जहां से भी इज सोर्स, जिसके कारण लूप में करंट पास कर रहे हैं। अगर एक ही बैटरी हो तो करंट उसी के कारण पास करेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा बैटरी हो तो करंट किसी के भी कारण पास कर सकता है। हाँ, जिस बैटरी का इफेक्ट वोल्टेज ज्यादा है, सर्किट में उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि हो सकता है जो बड़ा वाला बैटरी है उसका इफेक्ट कम हो, और जो छोटा छोटा ढेर सारा बैटरी है, हो सकता है उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाए। बड़े वाले बैटरी से, ज्यादा वाले वोल्टेज वाले बैटरी से, छोटा छोटा जो ढेर सारा बैटरी है, हो सकता है उसका ज्यादा इफेक्ट हो जाए। वो इफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। शुरुआत में अगर नहीं कुछ पता चल रहा है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सर्किट में बड़ा वाला बैटरी का इफेक्ट ज्यादा हो। और किसी भी बैटरी के कारण करंट किधर होता है, तो बैटरी के कारण करंट बैटरी से बाहर हायर से लोअर, अब बैटरी के अंदर लोअर से हायर। ये बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी है। हाँ, उस प्रोसेस में बैटरी यूज होगा, कुछ अपना एनर्जी खर्च करेगा। इस 30 वोल्ट वाले बैटरी का इफेक्ट अगर ज्यादा कंसीडर करें, तो इस बैटरी के कारण करंट लोअर से हायर पास करेगा, और जब तक लूप लगातार एक ही है, पता नहीं लेकिन इतना पता है कि अगर लगातार एक ही लूप है तो करंट हर जगह सेम हो। उस सेम करंट का वैल्यू कितना है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ I बराबर V बाय R, जहां पे V इज वोल्टेज, वोल्टेज में जो जो बैटरी हेल्प कर रहा है वो प्लस में, और जो जो अपोज कर रहा है, हेल्प मतलब जैसे ये बैटरी इसी के कारण मान के चल रहे हैं करंट पास कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है। ये बैटरी किधर करंट पास करवाना चाहेगा, तो किसी भी बैटरी का नेचुरल टेंडेंसी होता है लोअर साइड, और उधर ही मान के चल रहे हैं। उधर ही मान के चलने का मतलब ये भी बैटरी करंट फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा होगा, बैटरी यूज हो रहा होगा, करंट लोअर से हायर। लेकिन अगर इस बैटरी के क्रॉस करंट इधर सोच रहे हैं, करंट हायर से लोअर उल्टा पास कर रहा है, इसका नेचुरल टेंडेंसी है कि करंट लोअर से हायर पास करवाना। मतलब बोल सकते हैं कि ये दोनों बैटरी इस लूप को हेल्प कर रहा है करंट पास करवाने है, और ये जो बैटरी कनेक्टेड है वो उल्टा कनेक्टेड है, ये करंट उल्टा पास करवाने का कोशिश करेगा, लेकिन पास इधर करने का सोच रहा है तो बैटरी अपोज में जाएगा। जो हेल्प में वो प्लस, और जो अपोज में है वो माइनस। चाहे ऐसा ऐसा जितना भी बैटरी हो, आप चाहे तो सारे का वोल्टेज रिलेट कर सकते हैं बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में चाहे जितना भी हो वो हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करेगा। सारे रेसिस्टेंस को एकट्ठा करके जोड़ लीजिए, 5 यहां पे बात कीजिएगा, 2 यहां पे बात कीजिएगा, तो 10 वहां पे बात कीजिएगा, तो 3 दैट इक्वल टू 30 + 10 दैट इज 40, और सॉरी 30 - 10 दैट इज 20, और प्लस 5 दैट इज 25, ये 5 5 10 और प्लस 10 दैट इज 20। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए
1.25 जब तक लूप एक है एक लाइन में करंट निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा जितना बैटरी आ जाए जितना रेसिस्टेंस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एक इक्वेशन से ओम्स लॉ से आप रिलेट कर सकते हैं। हां कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा ऐसा अगर तीन बैटरी अगर कंसिडर करें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, कभी कभी ऐसा भी रह सकता है कि अगर इसको एक बैटरी कंसिडर करें, एक बैटरी कंसिडर करने का मतलब जो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस बैटरी के अक्रॉस होगा। अक्रॉस अगर 30 वाला वोल्ट के अक्रॉस अगर बात करें तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा पॉजिटिव वाला हायर माइनस निगेटिव वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी के अक्रॉस अगर बात कीजिएगा, ये बैटरी यूज हो रहा है यानी थोड़ा सा ये करंट पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव आने का मतलब जो सोचे थे वो सही सोचे थे, कभी कभी नेगेटिव में आएगा। अगर करंट नेगेटिव में आ रहा है तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जो करंट जो उस बैटरी का इफेक्ट बड़ा सोचे थे, हो सकता है करंट उल्टा पास करे, हो सकता है इसका इफेक्ट कम हो जाए, छोटा छोटा बैटरी उस पर हावी हो जाए। हाँ अभी इस केस में पॉजिटिव आ रहा है मतलब सही सोच रहा है, नेगेटिव आता तो आंसर गवर्न नहीं होता, बस खाली करंट का डायरेक्शन उल्टा कर लेता है, इसके कारण के बजाय छोटा छोटा बैटरी के कारण करंट पास कर रहा है। अभी अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब सही सोच रहे हैं, ये बैटरी यूज हो रहा है, अगर कोई बैटरी यूज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आएगा, EMF 30, करंट था 5/4 और रेसिस्टेंस था 25, निकाल सकते हैं कितना वोल्ट आएगा अक्रॉस, अगर इस 5 वोल्ट के अक्रॉस अगर बात करें तो अगर ये टर्मिनल अगर सी और अगर ये वाला डी कंसिडर करें तो पॉजिटिव वाला हायर वीडी माइनस वीसी, ये भी बैटरी यूज हो रहा है ई माइनस आईआर, टर्मिनल वोल्टेज में ईएमएफ 5, करंट सब जगह वही पास कर रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 वोल्ट अक्रॉस, अगर उस 10 वोल्ट के अक्रॉस बात करें तो वो वाला बैटरी में बैटरी चार्ज हो रहा है। अब बैटरी जब चार्ज होता है तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा विच ई प्लस हायर, पॉजिटिव वाला हायर निगेटिव वाला लोअर, ईएमएफ अगर बात कीजिएगा तो 10 करंट इसमें सारे में तो वही पास कर रहा था जो रेसिस्टेंस था विच 3, आंसर निकाल सकते हैं कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले कंसिडर किए थे, जब तक लूप एक है बैटरी ऐसा ऐसा चाहे जितना हो, ऐसा ऐसा चाहे जितना रेसिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से करंट निकाल सकते हैं, अगर बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो भी रिलेट कर सकते हैं। इसको पहले नोट कीजिए तो आगे हम लोग सीखेंगे कि लूप अगर एक होने के बजाय अगर लूप एक से ज्यादा हो, अभी तक लूप एक था, लूप अगर एक से ज्यादा हो तो कैसे करंट निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो अभी सीखे कि अगर लूप एक हो उस लूप में चाहे जितना बैटरी आ जाए जितना रेसिस्टेंस आ जाए करंट कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोग सीखे। इसी में एक और मेथड है जिसको बोलते हैं रिलेटिव पोटेंशियल मेथड, कि अगर सर्किट में ऐसा अगर एक लूप के बजाय अगर ढेर सारे लूप बनाता हुआ बहुत सारा बैटरी और अगर बहुत सारा रेसिस्टेंस हो और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस सर्किट में करंट कितना है, हर एक के क्रॉस करंट कितना है कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। लूप एक है तो ओम्स लॉ से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लूप एक से ज्यादा है तो बहुत सारा मेथड है जिससे करंट निकालते हैं, उसमें एक मेथड है विच रिलेटिव पोटेंशियल मेथड। रिलेटिव पोटेंशियल वाला मेथड तब सूटेबल होगा
जब सर्किट में रेसिस्टेंस कम और बैटरी ज्यादा हो और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉस करंट कितना होगा तो इस मेथड से निकाल सकते हैं, है क्या? याद करो थोड़ा सा, पढ़े हैं कि पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है। अगर किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो दूसरे पॉइंट पे हमको बताना पड़ेगा या दूसरे पॉइंट पे रेफरेंस लेना पड़ेगा। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टेट में डिफाइन क्या था, पोटेंशियल। उसी तरह से यहां पे अगर सर्किट में करंट निकालना है तो करते क्या है कि समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू टेक फॉर रेफरेंस पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ सर्किट इज जीरो। करते क्या है कि पोटेंशियल जो एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं था, दूसरे पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट पर रेफरेंस लेना पड़ता था, करते क्या है कि अपने मन से उस सर्किट के किसी एक पॉइंट का रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो सोचते हैं, अपने मन से कहीं भी जीरो सोचते हैं। आप मन करें तो यहां भी जीरो सोच सकते हैं, यहां भी जीरो सोच सकते हैं, यहां भी जीरो सोच सकते हैं, कहीं भी जीरो सोच सकते हैं। हाँ, जानबूझ के ऐसे जगह पे जीरो सोचेंगे जहां से रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो, जैसे बीच में कुछ नहीं है। अब पढ़े कि जब तक बीच में कोई टांग नहीं आ रहा है, कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, कोई बैटरी नहीं हो, वोल्टेज चेंज नहीं करता है, और वैसे केस में अगर अपने मन से रेफरेंस के रूप में अगर इसका पोटेंशियल जीरो सोचिएगा तो इसका नहीं, आसपास सारे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जब तक बीच में कोई टांग नहीं आ रहा है। मन करे तो यहां पे पोटेंशियल जीरो सोच सकते हैं, मन करे तो यहां पे जीरो सोच सकते हैं, मन करे तो बीच में कहीं जीरो सोच सकते हैं। जानबूझ के थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि आसपास रिलेट करना थोड़ा सा आसान है। अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट का रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो सोच लीजिए एंड बाय डिफाइनिंग रिलेटिव पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट, एक पॉइंट का जीरो लेके अब दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बताने का कोशिश कीजिए। और जब बाकी वाला पॉइंट का भी पोटेंशियल निकल जाएगा, रेसिस्टेंस के दो पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और अगर करंट निकालना हो तो ओम्स लॉ से करंट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस करके निकाल सकते। अपने मन से रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो लीजिए और दूसरे का डिफाइन करने का कोशिश कीजिए। जैसे बैटरी का वोल्टेज पता है कि अगर ईएमएफ 20 है तो इसके दो टर्मिनल का वोल्टेज 20 वोल्ट हो, दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होने का मतलब कि अगर लोअर वाला जीरो सोच रहे हैं तो हायर वाला उससे ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो इससे 20 ज्यादा होगा तभी तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 20। अगर यहां पे इसके लोअर वाले को अगर रेफरेंस के रूप में जीरो सोचते हैं, अगर इस बैटरी का ईएमएफ 20 वोल्ट, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, इसका मतलब लोअर वाले को जीरो सोच रहा है तो हायर वाले को 20 सोचना पड़ेगा, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 20। एक पॉइंट का रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो सोच के दूसरे का डिफाइन करने का कोशिश कीजिए, और जब तक बीच में कोई टांग नहीं आ रहा है, पर आप देख सकते हैं कि इस रेसिस्टेंस के क्रॉस यहां पे वोल्टेज 20, यहां पे जीरो, डिफरेंस पता है, रेसिस्टेंस पता है, आप चाहे तो ओम्स लॉ से फ्रॉम ओम्स लॉ से किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना है निकाल सकते हैं, जिसमें अगर इस 10 ओम के क्रॉस निकालिएगा किसी भी रेसिस्टेंस के क्रॉस, याद कीजिए थोड़ा सा, बैटरी के अंदर लोअर से हायर पास करता है और बैटरी से बाहर हायर से लोअर, अगर इस रेसिस्टेंस 10 ओम के क्रॉस बात कीजिएगा, ये हायर 20 वोल्ट है, ये अगर 0 वोल्ट है तो करंट हायर से लोअर, इस I1 का वैल्यू कितना, ओम्स लॉ से V / R में पोटेंशियल डिफरेंस 20 - 0, रेसिस्टेंस 10 है उसके क्रॉस करंट कितना पास करेगा निकाल सकते। अपने मन से सर्किट के किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो सोचिए। हाँ, जानबूझ के ऐसे पॉइंट का जीरो सोचिए जहां से रिलेट करना आसान, एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के बाकी दूसरे वाले का भी निकालने का कोशिश कीजिए।
तो यहां से निकला 20, यहां 20 तो सब जगह 20, इसके क्रॉस वोल्टेज निकल गया तो करंट निकल गया। लेकिन अभी खाली यहां पे निकला है, हमको सारे रेसिस्टेंस के क्रॉस चाहिए। अगर यहां का 20 है तो यहां का कितना होगा? तो जो हमको वोल्टेज पता है वो बैटरी का वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस का वोल्टेज नहीं पता। वही तो पूछा है कि करंट कितना है। रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता होने का मतलब अगर इधर 20 है तो इधर नहीं बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि करंट पता नहीं। हाँ, अगर करंट पता होता तो हम बताते कि उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, और इसके क्रॉस वोल्टेज पता होता तो एक जगह पे पता है तो दूसरी जगह निकाल सकते हैं। इधर से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर गौर से देखिए, अगर इसको जीरो सोचे तो जब तक बीच में कुछ नहीं आए जीरो आएगा, और लोअर वाला जीरो है, इसके क्रॉस वोल्टेज 5 है तो यहां का वोल्टेज 5 होगा। लोअर वाला 0, अपर वाला 5, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस वही उस बैटरी का ईएमएफ कहलाएगा। मतलब अगर इस रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर कोई बोले तो बोल सकते हैं कि ऊपर वाला 20 वोल्ट और नीचे वाला कितना 5 वोल्ट, दोनों के बीच डिफरेंस पता है, रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट हायर से लोअर नीचे की ओर पास करेगा, कितना पास करेगा? तो फ्रॉम ओम्स लॉ, I बराबर V बाई R में इस हायर का वोल्टेज का वैल्यू 20, लोअर वाला का वोल्टेज 5, रेसिस्टेंस 5, 15/5 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अपने मन से किसी का पोटेंशियल जीरो, उसका पोटेंशियल जीरो मान के दूसरे का पोटेंशियल डिफाइन करने का कोशिश कीजिए, और अगर पोटेंशियल डिफाइन हो गया तो रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना है वो आप निकाल सकते। जैसे एक अगर यहां पे कंसिडर कर रेसिस्टेंस है, इधर से आगे नहीं बढ़ सकते हैं लेकिन इधर से आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर वाला लोअर 20 है तो हायर वाला ये लोअर आई हायर, लोअर वाला 20 हायर वाला 30, तभी तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट। मतलब इसका 0 तो इसका 20 इसका 30, और अगर इस रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर वोल्टेज पता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट हायर से लोअर I1 I2, तो इसको I3 लिखे। उस तीसरे वाले के क्रॉस कितना करंट पास करेगा फ्रॉम ओम्स लॉ V/R में, हायर वाला 30 है लोअर वाला 0 है, रेसिस्टेंस 2 ओम, करंट कितना पास करेगा? 1 लूप है तो कोई झंझट ही नहीं था, ओम्स लॉ से एक लाइन में करंट निकाल रहे थे। अगर लूप 1 से ज्यादा हो, अगर आप करंट निकालना चाहते हैं डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉस, तो आप रिलेट कर सकते हैं अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 कंसीडर करके, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 करके बाकी सारे का पोटेंशियल डिफाइन करने का कोशिश कीजिए। यह तब डिफाइन कर पाइएगा जब बैटरी ज्यादा होगा, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस के क्रॉस तो निकालना ही था, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। अगर सर्किट में बैटरी ज्यादा है तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हो तो आगे बहुत सारा मेथड है, आगे सीखेंगे। इस केस में जब बैटरी ज्यादा हो तो इस तरह से कर सकते हैं। इसको पहले नोट कीजिए, तो एक दो एग्जाम्पल और इस तरह से पूछा हुआ एग्जाम वाला देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। तो अभी सीखे कि लूप 1 है, चाहे जितना बैटरी जितना रेसिस्टेंस करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। लूप अगर 1 से ज्यादा है तो ओम्स लॉ से नहीं निकाल सकते हैं सीधा। उसमें एक मेथड रिलेट किए कि अपने मन से सर्किट का किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल तो रिलेट कर रहे हैं कि अगर लूप 1 से ज्यादा हो तो ओम्स लॉ के बजाय, अगर सर्किट में बैटरी ज्यादा है तो सर्किट के किसी एक पॉइंट पे
रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल कंसिडर करके जीरो ले लीजिए, अब बाकी का पोटेंशियल डिफाइन करने का कोशिश कीजिए, और अगर बाकी का पोटेंशियल अगर डिफाइन कर सके तो करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है ये जेई मेन 2017 में पूछा हुआ, बहुत सारा बैटरी कुछ रेसिस्टेंस एक लूप नहीं ढेर सारे लूप में इस तरह से कनेक्टेड है, अब पूछ रहा है करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस कितना होगा। सर्किट के किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस के रूप में आप पोटेंशियल जीरो सोच सकते हैं, मन करे इधर सोच लीजिए, मन करे इधर सोच लीजिए, जहां पे आपको सोचना आसान लगे वहां सोच लीजिए। अगर अपने मन से पोटेंशियल अगर जीरो यहां कंसिडर किया तो बोले ऐसे इधर क्यों, हम इधर कंसिडर करें तो इधर भी आप कंसिडर कर सकते। अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसिडर कीजिए, और अगर ये जीरो होगा तो ये कितना होगा, तो ई हायर है और ई लोअर है। हायर वाले को जीरो सोच रहा है तो लोअर वाले को माइनस दो सोचना पड़ेगा, उससे कम सोचना होगा। डिफरेंस दो वोल्ट होने का मतलब हायर वाले को जीरो सोच रहा है तो लोअर वाले को माइनस टू, हायर वाला माइनस टू तो लोअर वाला माइनस फोर, हायर वाला माइनस फोर तो लोअर वाला माइनस सिक्स। इधर जीरो लेते तो इधर पॉजिटिव आता, इधर जीरो लिए तो इधर नेगेटिव आएगा। जब तक रास्ते में कोई टांग नहीं अड़ा है वोल्टेज सेम रहेगा माइनस सिक्स, ये लोअर वाला माइनस सिक्स, हायर वाला उससे ज्यादा माइनस फोर, और हायर माइनस टू, और हायर बीच जीरो वोल्ट। अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान के बाकी का पोटेंशियल डिफाइन करने का कोशिश की है, और अगर रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल अगर निकाल चुके हैं तो करंट निकल जाएगा। करंट अक्रॉस अगर ईच निकालना है तो आप देख सकते हैं कि एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, यहां पर तीन रेसिस्टेंस है आप गौर से देख सकते हैं, इसके क्रॉस डिफरेंस निकालिए, इसके क्रॉस डिफरेंस निकालिए, सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, और सारे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आने का मतलब सारे के क्रॉस जो करंट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, चाहे वन हो चाहे टू हो चाहे थ्री हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेई में जो क्वेश्चन पूछा था तीनों में रेसिस्टेंस सेम दिया था, यहां पे अलग अलग कंसिडर किए हैं, सेम रहे अलग रहेगा, वोल्टेज जीरो है, करंट भी हरेक के अक्रॉस, करंट हरेक के अक्रॉस जीरो। एक और इसी तरह का क्वेश्चन जेई मेन में ही पूछा है 2019 में, इस बार ऐसा ऐसा दो बैटरी दो रेसिस्टेंस लेकिन लूप एक नहीं, ऐसा ऐसा दो लूप है, दो क्लोज पाथ है, पूछ रहा है कि डिफरेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना होगा। अगर एक लूप होता तो ओम्स लॉ से एक लाइन में निकलता है, एक से ज्यादा लूप है ओम्स लॉ से नहीं निकलेगा। अपने मन से आप चाहे तो रिलेटिव पोटेंशियल वाला मेथड में अपने मन से सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो सोच सकते हैं, जैसे यहां पे मन करे तो यहां पे जीरो सोच लीजिए। अगर यहां जीरो सोचते हैं तो लोअर वाला जीरो है, हायर वाला 10 वोल्ट आएगा, और इधर वाला लोअर वाला 10 जीरो है, ये हायर है लोअर नहीं। जब तक टांग नहीं हड़ा ये वाला जीरो, ये वाला भी जीरो, दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस पता है, करंट निकालना है तो फ्रॉम ओम्स लॉ, लूप पे तो नहीं, लेकिन आई बराबर वी बाई आर करके अक्रॉस अगर आर वन के अक्रॉस निकालना चाहे, इस R1 के क्रॉस में I1 बराबर V बटा R1 में इसके क्रॉस वोल्टेज में ये हायर ये लोअर, करंट हायर से लोअर रेसिस्टेंस के क्रॉस पास करेगा 10 माइनस जीरो बाय रेसिस्टेंस 20,
करंट आ जाएगा 0.5 एम्पीयर। एक्रॉस अगर आर टू निकालिएगा तो इस आर टू के एक्रॉस जो करंट वोल्टेज है, इधर भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कितना भी रेसिस्टेंस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई करंट नहीं पास करेगा, जो भी करंट पास करेगा सिर्फ इसमें पास करेगा। तो एक से ज्यादा लूप में इस तरह से मेथड, एक लूप में उसमें तो कोई झंझट ही नहीं था, ओम्स लॉ से एक लाइन में निकाल सकते। चलिए इसको नोट कीजिए। तो एक और मेथड है जिससे हम लोग करंट एक से ज्यादा लूप में रिलेट करते हैं, इसको लिखे पहले था सर। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि लूप अगर एक से ज्यादा हो तो ओम्स लॉ से करंट निकालना पॉसिबल नहीं था। उस समय रिलेटिव वाला पोटेंशियल वाला मेथड करते क्या थे कि सर्किट के किसी एक पॉइंट का रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो सोच के बाकी का पोटेंशियल निकाल के डिफरेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस जब हम वोल्टेज निकाल लेते थे तो करंट आसानी से निकाल सकते थे। उसी में एक और मेथड है जिसको लोग बोलते हैं अर्थिंग। इलेक्ट्रोस्टैट में सीखे थे कि कभी कभी किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करके हम लोग रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते हैं। उसी तरह से कभी कभी इलेक्ट्रिकल वाला सर्किट, करंट वाला सर्किट में बहुत सारा एलिमेंट आपको एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, कुछ लूप से कनेक्टेड रहेगा और किसी किसी पॉइंट को अर्थ का किया हुआ रहेगा। अर्थ करने का मतलब कि रेफरेंस के रूप में याद कीजिए, थोड़ा इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग अपने मन से सोच रहे थे कि कहीं पे जीरो ले, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अर्थिंग किया हुआ रहेगा। अर्थिंग करने का मतलब आपको बता दिया गया है कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल आपको जीरो सोचना है। लूप एक है तो करंट आसानी से निकाल रहे थे ओम्स लॉ से, लूप जब एक से ज्यादा था तो करंट आसानी से नहीं निकल रहा था। लूप जब एक से ज्यादा था करंट आसानी से नहीं निकल रहा था, उसने अपने मन से रेफरेंस लेके पोटेंशियल जीरो कंसीडर करके बाकी का पोटेंशियल निकाल के करंट निकाल रहा था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल जीरो कंसीडर करने के बजाय आपको दे दिया जाएगा यहां अर्थिंग किया हुआ है, मतलब आपको बता दिया गया है कि रेफरेंस के रूप में इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कंसीडर किया। उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो आपको दे दिया जाएगा, कभी कभी पूछेगा दूसरे पॉइंट का बताइए कि पोटेंशियल कितना है, या पोटेंशियल ना पूछ के डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉस करंट कितना होगा आपसे ये पूछा जाए। मतलब जो बात अभी तक हमको खुद सोचना पड़ रहा था कि कहां पे रेफरेंस के रूप में पोटेंशियल जीरो ले, आपको क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है कि कहां का पोटेंशियल जीरो ले। जैसे कि एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बैटरी कुछ रेसिस्टेंस इस तरह से सर्किट में कनेक्टेड है और दिया है कि इस पॉइंट को अर्थ किया हुआ है, अब पूछ रहा है कि डिफरेंट रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना है। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो दिया है तो दूसरे पॉइंट का रिलेटिव में पोटेंशियल निकालने का कोशिश कीजिए। जैसे यहां का पोटेंशियल जीरो है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, तो ये लोअर हाइयर, लोअर वाले को जीरो सोच रहे हैं तो हाइयर वाले को कितना सोचना होगा, तो डिफरेंस 20 होने का मतलब ये 20, ये जीरो, यहां 20 तो यहां पे कितना, तो यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। हमको बैटरी के क्रॉस वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहां 20 तो यहां पे 30 होगा। यहां अगर 10 है तो इधर आके बात करेंगे तो इधर 0 हो, फिर डिफरेंस 10। अगर इधर 0 है तो इधर -10 होगा, फिर डिफरेंस 10 रहे। हम डिफरेंस बैटरी के क्रॉस लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस के क्रॉस तो पूछा ही है कि करंट कितना है, करंट निकलेगा तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस के क्रॉस। ये लोअर वाला 0 हायर वाला 20 यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं,
अगर इधर से आगे बढ़ने का कोशिश करें तो ये जीरो, लोअर वाला जीरो, तो हायर वाला इधर से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर यहां का 10 है, हायर वाला 10, तो लोअर वाला कितना? अभी तक रेफरेंस में अपने मन से सोचते थे कि यहां जीरो लेके यहां जीरो ले। अभी इस क्वेश्चन में अर्थिंग किया हुआ है, मतलब आपको बता दिया है यहां पर पोटेंशियल रेफरेंस के रूप में जीरो लीजिए। अब जब आप यहां पे जीरो पोटेंशियल कंसीडर किए हैं तो बाकी का रिलेटिव में पोटेंशियल आप इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बार तो खाली ये पूछेगा कि दूसरे का पोटेंशियल कितना, तो निकाल चुके हैं, लेकिन हमसे पोटेंशियल नहीं, हमसे पूछा करंट अक्रॉस, करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस, हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है फ्रॉम ओम्स लॉ। अगर किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट निकाल सकते, अगर किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है करंट निकाल सकते हैं। यहां तक अगर कंसीडर करें तो हमारा मात्र दो ही रेसिस्टेंस, एक 10 ओम एक 5 ओम अक्रॉस, अगर 10 ओम के अक्रॉस अगर बात करें तो बैटरी से बाहर कहीं भी करंट हायर से लोअर, बैटरी से बाहर करंट हायर से लोअर में, ये लोअर है ये हायर, करंट कहीं इधर पास करे। आई वन बराबर पोटेंशियल डिफरेंस में हायर वाला 20, लोअर वाला 10, रेसिस्टेंस 10, करंट 1 है। अक्रॉस अगर उस 5 ओम के अक्रॉस अगर करंट निकाले तो आई टू बराबर वी बाई आर में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का बात कीजिएगा, ये हायर ये लोअर, करंट हायर से लोअर नीचे पास करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 0 बाय रेसिस्टेंस, करंट निकाल सकते हैं। अभी खाली इसकी और इसके क्रॉस निकाल रहे, आगे हम लोग सीखेंगे, आगे हम लोग सीखेंगे कि सारे जगह, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी सारे जगह करंट कितना होगा निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ रेसिस्टेंस के क्रॉस निकालना सीखें, आगे हम लोग सीखेंगे कि रेसिस्टेंस के बजाय सारे जगह पे पूछा जाए, जैसे याद किए 2-3-4 जो भी एग्जांपल किया है सारे में खाली रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल रहे थे, दूसरे वाले सर्किट के सेगमेंट में कितना करंट होगा वो आगे हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे कि करंट कैसे निकालते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो अगला वाला लेक्चर किरचॉफ्स लॉ, जहां पे थोड़ा सा सर्किट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो करंट हम लोग निकालना सीखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए।